वेलकम बैक टू द चैनल। स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। फिलहाल हूँ मैं राधा नगर बीच। फिर से मॉर्निंग में एक्सप्लोर करते सेल्फ एक्सप्लोर कर रहे थे, उसके लिए यहाँ पे आए हुए थे। एंड भाई साहब क्या व्यू है। अभी तो पूरा बीच खाली है बिकॉज मॉर्निंग के टाइम पे यहाँ ज़्यादा कोई आता नहीं है। सनसेट देखने के लिए लोग आते हैं। एंड काला पत्थर बीच जो हम कल गए थे, ये जो आपको माउंटेन दिख रहा है इसके साइड से जाएंगे तो वहाँ पर काला पत्थर बीच आता है। ओके सो एक चीज़ और अपडेट करना चाहता हूँ कि अगर आप यहाँ पर आ रहे हो, किसी भी टाइम आ रहे हो, सनस्क्रीन मत भूलना भाई। कल हम गए थे एलिफेंटा बीच और वहाँ पे पानी में होने का पता नहीं चलेगा आपको और गंदा वाला सनबर्न हो जाएगा। लिटरली मेरा हाथ देख सकते हो पूरा ब्लैक पड़ गया है, पूरा ब्लैक पड़ गया है। और अगर थोड़ा सा भी इसमें ऐसे हाथ से भी कर दो ना तो भी पूरा ऐसा पेन हो रहा है और जलन टाइप का हो रहा है। तो ये चीज़ मत भूलना, सनस्क्रीन लाना बिल्कुल भी मत भूलना। सनस्क्रीन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर आपको होगा ही होगा। ओके सो अब हम निकलने वाले हैं यहाँ से हमारे दूसरे आइलैंड के लिए, विच इज़ नील आइलैंड। एंड यहाँ से हैवलॉक से नील जाने के लिए आपको फेरी लेनी पड़ेगी। फेरी का कॉस्ट अराउंड 1600 से 2000 के बीच में अगर आप प्राइवेट फेरी बुक कर रहे हो। 3000 भी होता है प्रीमियम, जैसा प्रीमियम होता है उसके हिसाब से प्राइस डिपेंड होता है। हमें जो स्कूटी मिली थी बहुत अच्छी मिल गई थी भाई। इसका क्या बोलते, कंडीशन देख सकते हो बहुत सही था। और थोड़ा पास देखो कैमरामैन, यहाँ पे देख सकते हो नंबर दिया हुआ है, अगर आप आ रहे हो हैवलॉक में उनको कॉन्टैक्ट कर सकते हो। 2000 डिपॉजिट देना पड़ेगा और 600 रुपये आपको कट करके दे देंगे। 1.5 लीटर पेट्रोल डाल दो, 1.5 लीटर पेट्रोल में आप पूरा हैवलॉक अच्छे से घूम सकते हो। तो हैवलॉक में अगर आप स्कूटी से भी एक्सप्लोर कर रहे हो तो आपको घूमने का कोई चांस नहीं है क्योंकि यहाँ पे ये जो रोड गया है ये सीधा जहाँ पे जट्टी आपको उतारती है वहाँ से आया हुआ है। ये वाला सीधा रोड जो गया है राधा नगर बीच गया है और ये जो रोड गया है विजयनगर बीच एंड काला पत्थर बीच और लास्ट में जाके एंड हो जाता है रोड। आपको कहीं घूम मतलब आपको भूल नहीं सकते हो चीज़ें, रोड आपको प्रॉपर याद रहेगा। अगर आप मैप नहीं भी देख रहे हो सेल्फ एक्सप्लोर कर रहे हो तो भी आप आराम से कर लोगे, बस एक रोड पकड़ना और लास्ट तक जाना। तो ये कुछ ऐसा नाका पड़ता है, ये यहाँ का एक हैवलॉक का एक मार्केट है, सबसे बड़ा मार्केट यही है। और सो ये फेरी आ गई है, ये हमें लेके जाएगी फ्रॉम हैवलॉक टू नील आइसलैंड और कुछ 1 घंटे का टाइम लगेगा इसमें। और देख सकते हो क्या व्यू है यार, मतलब उतरते ही मज़ा आ जाता है। सो फाइनली वी रीच इन नील आइलैंड एंड जहाँ पे आप जैसे ये देख रहे हो आपको वीडियो में दिख रहा होगा ये पॉइंट है बाहर निकलने का। यहाँ से आप टैक्सी ले सकते हो, जैसे कि मैंने प्री बुकिंग करी हुई थी तो हमारे टैक्सी भाई वाले भैया आ गए, अभी ये हमें लेके जा रहे हैं टैक्सी के पास में। उसके बाद यहाँ पे 3 बीचेस हैं जो बड़े बीचेस हैं, पहला भरतपुर बीच। सो भैया बाय बाय बाय। सो ये अभी हमको लेके जा रहे हैं होटल। होटल के बाद कहाँ कहाँ जाने वाले भैया, आपका नाम बता दो पहले। मेरा नाम ऋतिक है सर। सर ऋतिक भैया कहाँ कहाँ लेके जाने वाले होटल के पास? होटल के बाद जाएंगे भरतपुर बीच सर, जहाँ पे वाटर एक्टिविटीज वगैरह होते हैं। ओके अच्छा, यहाँ पे भरतपुर में वाटर एक्टिविटीज होती हैं जैसे वहाँ पे हैवलॉक में एलिफेंटा में होती हैं। यहाँ पे बेसिकली 3 बीचेस हैं, भरतपुर, लक्ष्मणपुर एंड सीतापुर। भरतपुर बीच पे बेसिकली जो वाटर एक्टिविटीज जैसे हैवलॉक में आप देखोगे तो एलिफेंटा बीच पे जो वाटर एक्टिविटीज होती हैं सेम लाइक भरतपुर में होता है। यहाँ पे एक और पॉइंट है नेचुरल ब्रीज करके, यहाँ पे जाते हैं तो सर आप टोटली आप जो एक्वेरियम टाइप होता है ना सर, हाँ वैसा होता है। वहाँ पे हजारों तरह का फिशेस कोरल वगैरह तो ऊपर से देख सकते हैं हम लोग फिशेस जो होती है। जी सर, आप जो भी स्कूबा पे देखते हैं सर वो आपको यहाँ पे पॉसिबल होता है बाई वॉक पे देखना सर। ग्लास होता है या नहीं सर, आप बाई वॉक पे देख सकते हैं सर। अच्छा इतना क्लियर वाटर है? जी सर, क्रिस्टल वाटर एकदम क्लियर सर। वाओ वाओ, नीमो फिश वगैरह सब आप बाई वॉक पे देख पाएंगे सर वहाँ पे। कूल, एक्साइटेड जो स्कूबा पे देखते हैं सर। सो हमारा नेक्स्ट स्टे जो यहाँ नील आइलैंड का है ये कुछ ये होटल है। फिलहाल फटाफट चेक इन करते हैं। पूल भी अच्छा है यार, काफ़ी कनेक्टेड बीच है, डेड कोरल बीच है, मतलब बीच पे जा सकते हो बट स्विमिंग वगैरह नहीं कर सकते बिकॉज कोरल्स हैं तो पैर में लगने का प्रॉब्लम है। पर वो भी दिखा देता हूँ, मैं नीचे जाऊँगा तो दिखाऊँगा। इसे देख लो, प्रॉपर्टी बहुत ही सही मिली और जो मेरे को प्राइस मिला है भाई अमेजिंग। अब मुझे रियलाइज़ हो रहा है कि मैंने जो चीज़ किया था बहुत सही किया था। यहाँ पे बजट के भी रूम्स हैं, 2000-3000 में भी आपको मिल जाएंगे पर नाइट के। 2000 मिनिमम स्टार्ट हो जाता है। हैवलॉक में भी सेम रेट है, 2000 में भी आपको रूम्स मिल जाएंगे। लेकिन यहाँ का
ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं थोड़ा सा कॉस्टली हैं कंपेरेटिवली, और हम जा रहे हैं यहाँ से भरतपुर। भरतपुर में जो स्नॉकलिंग का एक बार फिर से एक्सपीरियंस करना है यार, मज़ा आया था जो कल हमने किया था, और आज भी फिर से हम ट्राई करेंगे स्नॉकलिंग का। सो एक्साइटेड है। ये थोड़ा डीप सी में लेके जाएंगे, वो तो हमें किनारे से थोड़े से 100-200 मीटर पे लेके गए थे। ओके सो हम यहाँ पे भरतपुर का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वहाँ पे पहुँच चुके हैं, और यहाँ पे एक चीज़ मैंने देखा कि जो राइड्स हैं, जैसे वहाँ पे एक ग्लास बॉटम बोट का राइड होता है वहाँ पे हैवलॉक में एलिफेंटा पे ये राइड 1500 का कुछ दे रहे थे, यहाँ पे 800 रुपये में दे रहे हैं, और स्नॉकलिंग का यहाँ पे 1000 रुपया। तो थोड़ा सा अगर एलिफेंटा से अगर आपको एक्सपीरियंस करना आप कर सकते हो वहाँ पर भी, और यहाँ पे आके भी थोड़ा सा आपका रेट कम हो जाता है मुझे जो दिख रहा है। यहाँ पे जेट्स की वहाँ पे 800 रुपये का था, यहाँ पे 600 रुपये का। तो थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस अगर आप नील को विजिट करने वाले हो तो भरतपुर के लिए भी कर लेना, मतलब रख लेना वो चीज़ें, यहाँ पे भी आप आके कर सकते हो, थोड़ा सस्ता हो जाएगा आपका। कि अगर आप यहाँ पे आ रहे हो नेटवर्क नहीं होता, आपका UPI नहीं चलेगा, एंड जो ये बोट राइड वाले होते हैं ना ये UPI एक्सेप्ट नहीं करते, आपको कैश रखना पड़ेगा। तो 8-10,000-15,000 कैश अगर आप हैवलॉक से आ रहे हो तो ATM से निकाल के फिर आना यहाँ पे, नहीं तो यहाँ पे आने के बाद आपको बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। तो कपड़े कर लिए चेंज, और यहाँ पे ऐसे लॉकर रूम्स हैं, लॉकर रूम्स में रखते हो, यहाँ पे लेडीज़ है उस साइड, जेंट्स है, लॉकर मिल जाएगा आपको यहाँ पे लेडीज़ और जेंट्स का अलग, वहाँ पे आप लॉकर रूम में रख सकते हो। इसका टाइमिंग 4 बजे तक होता है। तो स्नॉकलिंग हमारा यहाँ पे हो गया, इसका और जो हैवलॉक का स्नॉकलिंग का था दोनों का एक्सपीरियंस बहुत अलग है। हैवलॉक का जो स्नॉकलिंग है वो आपको थोड़ा यहाँ से मतलब स्टार्टिंग से जहाँ से बीच स्टार्ट होती है बीच से लेके धीरे धीरे करके अंदर लेके जाते हैं डीप सी में, बहुत ज़्यादा डीप में लेके गए थे वहाँ पे, कुछ 10 मीटर में लेके गए थे। लेकिन ये अगर आपको दिख रहा होगा यहाँ पे बहुत सारी फेरीज दिख रही होंगी, ये एकदम डीप सी में लेके जाके हम लोगों को कराया, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा गहरा था, मतलब अराउंड 20 फीट नीचे था। तो अगर आप नील आइलैंड आ रहे हो तो वो चीज़ ज़रूर ट्राई करना, मस्ट एक्सपीरियंस है यहाँ का स्नॉकलिंग। एक बार स्कूबा बहुत महंगा पड़ा था, स्कूबा नहीं करोगे तो भी चलेगा, बट स्नॉकलिंग मस्ट एक्सपीरियंस है। सो भरतपुर बीच के बाहर जैसे आओगे वहाँ पे ऐसे मार्केट है, आप मैगी वैगी खा सकते हो। जी यहाँ पे थोड़ा सा हम फ्रूट सैलड बनवा रहे हैं, फ्रूट सैलड, और क्या बना रहे हो? मैगी सब मिलता है ना, और महंगा नहीं है, बहुत ज़्यादा रिजनेबल है, मतलब यहाँ के मतलब थोड़ा कंपेरेटिवली तो महंगा ही है बट यहाँ के हिसाब से रिजनेबल है, ज़्यादा बहुत ज़्यादा कॉस्ट नहीं है। आपने कोई जानवर वानवर पाला है? ऐसा जानवर की जो आपको कुछ दे और दुकान में बेच सको, ऐसा कुछ नहीं ना? गाय वाय नहीं पालते ना? ऐसा कुछ नहीं, पहले मेरे पापा पालते थे, सभी मतलब पहले सबका ही था, तो अभी घास के लिए ना बहुत कम मिलता है, तो इसलिए है ना इतना सारा घास पीछे पड़ा हुआ, वो सब नहीं खाता है सर। अभी ये दूध यूज करते हैं चाय वाय के लिए, पूरा रामायण लग रहा है, लक्ष्मणपुरा भरतपुरा सीतापुरा। और लिटरली आप यहाँ पे आओगे ना, भले से इंडिया से इतना दूर है लेकिन सनातन संस्कृति यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, मंदिर बहुत सारा देखोगे आप, बहुत मंदिर है, और 95% यहाँ पे जैसे मैंने बताया बंगाली हैं, तो ऐसा लगेगा कि आप कोलकाता, अगर आप कभी गए हो तो कोलकाता जैसी फीलिंग आएगी। तो मैं कोलकाता गया हूँ तो मुझे थोड़ा थोड़ा मैं रिलेट कर पा रहा हूँ, खाना पीना भी ऑलमोस्ट उसके जैसा ही है, सेम ही है। ओके सो वी हैव रीच दैट लक्ष्मणपुरा बीच, और यहाँ पे देख सकते हो सनसेट हो रहा है, देख सकते हो अभी यहाँ पे सनसेट हो रहा है, और बहुत ही अमेजिंग है ये हैवलॉक भी जो सनसेट पॉइंट है राधानगर बीच, उससे भी ज़्यादा अच्छा यहाँ पे सनसेट पॉइंट है, क्योंकि एकदम सामने से दिख रहा है और सामने से वो माउंटेन से ऐसा लग रहा है कोई पोर्ट्रेट बनाया हुआ है, रियलिटी तो ज़रा भी लग ही नहीं रही है, ऐसा लग रहा है किसी ने पोर्ट्रेट बनाया हुआ है और सामने लगा दिया है भाई, नेक्स्ट लेवल। थोड़ा और आगे जाके दिखाता हूँ, वाटर का रिफ्लेक्शन जो आ रहा है सब बीच में देख सकते हो, अलग ही लग रहा है, क्या अमेजिंग लग रहा है, क्या अमेजिंग लग रहा है यार, ये बहुत ही अमेजिंग है। ये जो देख रहे हो ना ये पानी में जो रिफ्लेक्शन आ रहा है, ये जुहू वगैरह में भी सनसेट होता है बट इतना अच्छा ये जो रिफ्लेक्शन है वो कहीं नहीं दिखा हुआ है, ऐसा लगा ट्रेड बना के किया हुआ है, अगर ये वीडियो ना हो तो पता ही ना चले।
खतरनाक, अमेजिंग। और नील आइलैंड के एक छोटे से दुकान पे कुछ सामान लेना है, और यहाँ पे जितने भी सामान है ना मैं दिखाता हूँ। ये चाकू का रेट कितना बोला अंकल जी? 100। चाकू जो 15 रुपए की मिलती है यहाँ पे 100 रुपए में मिल रही है। इतना महंगा क्यों सर? हम लोग का ट्रांसपोर्टिंग बहुत ज्यादा है सर, मिलने से कोई भी सामान आता ट्रांसपोर्टिंग का पूरा खर्चा लगता है। तो यहाँ पे MRP से ज्यादा ही होता है ना सारा सामान? MRP से ज्यादा नहीं, कुछ कुछ सामान तो MRP से कम में ही देते है सर हम। अच्छा, ये साबुन वाबुन कितने का है? लाइफ बॉय 38। ओके ठीक है, 500 का नोट दिया था मैंने। ले लो आपका जो कोल्ड ड्रिंक्स आइटम है ना। इतने सारे फोन क्यों रखे हो आप? मैं रिचार्ज करता हूँ। अच्छा, यहाँ पे अभी भी रिचार्ज चलता है ऐसे? तो BSNL एयरटेल मोबाइल से नहीं होता ऐसे डायरेक्ट? बहुत जन डायरेक्ट मोबाइल से करते हैं, बहुत जन ऐसे यहाँ से रिचार्ज। तो रिचार्ज के लिए ये सारे फोन? ये तो बहुत पहले भी देखता था, हमारे गाँव में होता था, चला था ऐसे रिचार्ज करने का। सही है, तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। आप कौन से स्टेट से सर? मैं मुंबई से आया हूँ। बॉम्बे भी तो पूरा टोपी पहनता था सर, गाड़ी वाला लोग। अरे नहीं, क्या बात कर रहे हो सर? एक बार नहीं, चार बार गया मैं, चार बार बॉम्बे में गया। गाड़ी वाला एक जगह छोड़ने बोलता, दूसरा जगह छोड़ के पैसे लेके भाग जाता। आपका एक्सपीरियंस गलत हुआ है फिर। सर पार्ले जी बिस्कुट हम लोग बिक्री करता है MRP रेट में, 10 रुपया पार्ले जी बिस्कुट, हमें 10 कमा लो 15। क्या बोलूं मैं इस पे, क्या बोलूं क्या अब मैं इस पे? आपका 2 लीटर पानी? नहीं नहीं, गलत बोल रहे हो। नहीं सर, मैं जाके देख रहा हूं, हमको ही ब्लेम कर रहे हैं। तो मैं ढूंढ रहा था एक प्रॉपर वेज रेस्टोरेंट कुछ मिल जाए। लकली नील में मैं जहाँ पे रुका हूँ होटल के बाजू में मिल गया, तो कुछ सिवा करके रेस्टोरेंट है भाई, हाईली रिकमेंडेड। इनका जो खाना था, दाल रोटी मैंने ट्राई किया और दाल खिचड़ी भी ट्राई किया, अमेजिंग। मतलब अंडमान में 5-6 दिन से हूँ मैं, 3 या 4 दिन से हूँ। हैवलॉक पोर्ट बेयर कहीं पे भी ऐसा खाना मिला नहीं, हर जगह मतलब ऑयली ये ही मिला, थोड़ा सा घर जैसा खाना था। तो सर्च कर रहे हो तो भैया एड्रेस वेड्रेस बता दो। नहीं पता एड्रेस? नहीं, इसका एड्रेस पता है? ये रामनगर आइलैंड है, नील आइलैंड है। हाँ, रामनगर। मुझे वो दिखा दो ना, कार्ड दिखा दो। सीतापुर रहेगा। अच्छा, ये 3 नंबर वार्ड है। अच्छा, ये शिवा प्योर वेज है, ये मेरा खुद का रेस्टोरेंट है। तो ये कार्ड है इनका, इसके ऊपर इनका मोबाइल नंबर भी मेंशन है, तो आके ट्राई कर सकते हो भाई, बहुत अच्छा है। मुझे तो गूगल में सर्च कर, गूगल में पड़ा होगा ना? हाँ, गूगल में सर्च करके आ जाओ, बहुत सही है। मतलब एक दिन अगर यहाँ पे 2 दिन रुके रहो तो एक दिन यहाँ पे डिनर आके कर सकते हो। ये हमारे यहाँ के शेफ है, बढ़िया खाना बनाते हैं। अरे यहीं पे बनाते कि बाहर कहीं बनाते थे? हम बाहर भी था, आपका दार्जिलिंग में था, बेंगलोर में था, मुंबई में था। तभी आपको टेस्ट पता है नॉर्थ इंडिया वाली क्या टेस्ट होती है, प्योर वेज वाला क्या टेस्ट होता है। प्योर वेज तो मेनली नॉर्थ इंडियन में ही चल रहा है, बाकी तो बाहर देखो तो लोग खा लेते हैं। बेंगलोर में ज़्यादा है, बेंगलोर में नॉर्थ इंडियन ज़्यादा है ना? हाँ, मेरे को पता है, मैं भी था बेंगलोर में एक साथ, वहाँ पर नॉर्थ इंडियन ज़्यादा है। और इनके 12 महीने यहाँ पर आम होता है, और देख रहे हो पेड़ पे, मैंने दिखाया गिरा भी था ऊपर से, ये पेड़ों पर आम लदे हुए हैं, एंड यहाँ पे सर गिरा हुआ है आम। देखो दिखाता हूँ मैं आपको, देखो यहाँ पे गिरा हुआ है, यहाँ पे गिरा हुआ है, मतलब चिड़ियों ने खा के गिराया हुआ है, यहाँ पे गिरा हुआ है। अच्छा है देखो, कितना अच्छा है ये, कुछ भी हुआ नहीं है, फिर भी लोग यहाँ पे नहीं खाते, क्यों? उसका रीज़न ये है कि खा के पक गया। मैं पूछा यहाँ पे आम क्यों नहीं खाता, तो इतना सारा गिरा हुआ है। एक्चुअली हम लोग खाते हैं, हम लोग का जो मैंने होते हैं उल्टे में खा लेते हैं, और मतलब ऐसे ही बहुत होता रहता, साल भर इधर होते रहता हम। तो आप लोग आएंगे तो खट्टे मिल जाएगा। कल मिलेगा मेरे को आम? हाँ, कल आप लोग 9 बजे ही मैं तोड़ के रखूँगा। कल भाई आम लेके जाऊँगा फ्रॉम नील से आम लेके जाऊँगा मुंबई।